Good morning, students. Now we will see some definitions which is related to the waves. इस वीडियो में हम कुछ ऐसी परिभाषाएं देखेंगे जो तरंगों से संबंधित है और जिनका उपयोग हम आगे बोहर मॉडल में करेंगे. जब एक तरंग उत्पन्न होती है तो एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर और नीचे प्रोपोगेट करती है. प्रोपोगेट करती है मतलब चलती है. और जब ये वेव मूव करती है तब अधिकतम दूरी ऊपर की तरफ और अधिकतम दूरी नीचे की तरफ वो तय करती है. When a wave is moved, then with this imaginary line, the maximum distance at the upper side and the maximum distance at the lower side, it will travel. And when it will travel, then crest and trough is formed. शंख और गर्त का निर्माण होता है. और एक वेव जो है एक शंख और एक गर्त से मिलकर बनी होती है. यहां तक एक वेव हो जाएगी. जब भी हम तरंग की बात करेंगे तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो तरंग के बारे में उपयोग में लाई जाती हैं. पहला है वेवलेंथ, जिसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं. जब एक तरंग उत्पन्न होती है तो दो लगातार तरंगों के शंख के बीच की दूरी, द मैक डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, द डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ और तरंग दैर्ध्य. उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है. इट इज डिनोटेड बाय साइन लैम्ब्डा एंड it can be calculated by 1 armstrong unit and 1 armstrong unit will be equal to 10 to the power minus 8 meter or 10 to the power minus 10 centimeter ke equal hoti hai 1 armstrong unit. Second, frequency which is known as avritti, jise hum avritti kehte hain, aur ise nu se pradarshit kiya jata hai. आवृत्ति क्या है? एक निश्चित डिस्टेंस पर, मान लिया हमने कि एक सेंटीमीटर की समय देख लिया, एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस देख लिया, तो एक सेंटीमीटर डिस्टेंस से एक सेकंड में गुजरने वाली या निकलने वाली तरंगों को आवृत्ति कहा जाता है और जिसकी इकाई है साइकिल पर सेकंड. उस डिस्टेंस से कितनी तरंगे एक सेकंड में पास हो गई, निकल गई, और इसकी इकाई है हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड. 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल पर सेकंड होगा. वेलोसिटी या वेग, किसी भी तरंग के द्वारा एक सेकंड में एक तरंग के द्वारा तय की गई दूरी उसकी वेलोसिटी या वेग कहलाती है. और इसे सेंटीमीटर पर सेकंड से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या उसको उसकी गणना की जाती है. एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक जब तरंग उत्पन्न होती है तो क्रेस्ट के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, जैसे आपने कई बार देखा होगा जो हाइट का हम क्या करते हैं, हाइट को लेते हैं, तो किसी भी क्रेस्ट के द्वारा अधिकतम तय की गई दूरी एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाती है, जिसे कि ए से डिनोट किया जाता है, या एक गर्त के द्वारा अधिकतम गहराई तय की गई है उसे हम आयाम कह सकते हैं. तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आगे चल के हमें काम आएंगी. इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि परमाणु के विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करती है. छोटे छोटे नोट आप इनके लिए बना सकते हैं. दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी यानी एक ऐसी वस्तु जो पूरी तरीके से काली हो, हमारे हेयर हो सकते हैं या फिर एक कोयले का टुकड़ा हो सकता है, लोहा हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं
जो पूरी तरीके से ब्लैक है। उन्होंने ऐसे पदार्थों को ब्लैक बॉडीज कहा जाता है। ब्लैक, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, जो सारे विकिरणों को अवशोषित कर ले और समय आने पर उन सारे विकिरणों को निकाल दे या उनको फिर से उत्पन्न कर दे, ऐसे पदार्थों को ब्लैक बॉडीज, कृष्ण पिंड कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोयला जब जलता है, जब हम उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर वो विकिरणों को उत्पन्न करता है, या जब लोहे की वस्तु को गर्म किया जाता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे रेड कलर, और अधिक गर्म करने पर येलो, और अधिक गर्म करने पर सफेद, और धीमे धीमे जाकर बैंगनी रंग को, वायलेट कलर को ये उत्पन्न करता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी परमाणु के बारे में आगे जाकर उनके लिए विशेष गुणों के बारे में जानकारी आपको देगा। एक छोटा सा नोट आप बना लेंगे, जब ऊर्जाओं में परिवर्तन आता है, T1 से T2 में जब जाएंगे, हमने वस्तु को गर्म किया, गर्म करना शुरू किया, तो T1 से कहां गया ये, T2 पर, तो जो डेल्टा टी है वो विकिरण के रूप में दृश्य प्रकाश, विजिबल रेंज में, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश में भी तीन तरीके के विकिरण होते हैं, बहुत मंद, जिन्हें हमने अल्ट्रावायलेट रेस कहा, हम आंखों से नहीं देख सकते, विजिबल रेंज में 7 रंग विभ्योर हमको दिखाई देते हैं, जबकि बहुत तेज जो विकिरण होते हैं, जिन्हें हमने अवरक्त प्रकाश या इंफ्रारेड रेडिएशन कहा, इन्हें भी हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। तो विकिरणों को जब दृश्य प्रकाश में ऊर्जा में परिवर्तन के साथ में जो ब्लैक बॉडी होती है वो पूरी तरीके से अवशोषित भी करती है और रिलीज भी करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके ऊपर जब एक निश्चित वेग से कुछ विकिरणों को डाला जाता है, उस समय पर इनकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। There are few metals like lithium, sodium, potassium. When the radiations, different kind of radiation, when they strike over the surface of metal with a certain velocity, then they start to release electrons and this effect is known as photoelectric effect. Nowadays, this effect is used for the formation of solar cells and solar panel. In next video, we will discuss about spectrum and type of spectrums. अगली जो वीडियो बनेगा उसमें हम स्पेक्ट्रम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और स्पेक्ट्रम का निर्माण क्यों होता है, इसके बारे में